नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। गाइज, ये उत्सर्जन तंत्र की दूसरी क्लास है, पार्ट वन इसका कल कंप्लीट हो गया था। तो गाइज, सबसे पहले हमने जो कल पढ़ा उसका 5 मिनट में फटाफट रिविजन कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भैया हम? एक्सीरेटरी सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र। कल मैंने आपको बताया था भैया कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तंत्र होता है साथियों अंगों का समूह। जब साथियों बहुत सारे अंग समूह बना लेते हैं तो उसे कहा जाता है तंत्र। अब बात आती है भैया कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो ऐसे अंगों का समूह है जो उत्सर्जन में सहायक हो, साथियों क्या कहलाता है? उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या था कि भैया उत्सर्जन क्या है? साथियों, हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ यानी कि हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, उन्हें शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? साथियों, उत्सर्जन कहलाता है। अब बात यह आती है साथियों कि हमारे शरीर में ये अपशिष्ट पदार्थ, ये जो हानिकारक पदार्थ है, इनका निर्माण कैसे होता है? तो साथियों, आपको पता है हमारे शरीर में प्रतिदिन साथियों बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, कुछ टूटती भी है, कुछ जुड़ता भी है। साथियों, इस तरीके से कहने का मतलब हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ए और बी दो चीज़ें आपस में जुड़ी, सी और डी का निर्माण हुआ और साथियों कुछ वेस्ट पदार्थ बना। ये क्या है? यही तो है साथियों अपशिष्ट पदार्थ जो आपके शरीर में बना है, और इन अपशिष्ट पदार्थों को इधर साथियों शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो भैया कुछ इस तरीके से भैया आपके शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। ये बात क्लियर है? फिर साथियों हमने बात की थी कि हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ है जो साथियों जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। तो नंबर एक पर मैं बात करता हूँ साथियों, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर दो पर बात करूँ साथियों तो स्वेक यानी कि पसीना। नंबर तीन पर बात करूं क्रिएटिनिन, और नंबर चार पर बात करूं साथियों नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ। इनमें क्या क्या पढ़ा था साथियों हमने? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सभी क्या थे साथियों? ये भैया हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ थे। फिर साथियों ने उत्सर्जी अंगों के बारे में पढ़ा था, यानी कि ऐसे कौन से अंग थे साथियों जो इन अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण कर रहे थे, वो भी बता देता हूँ। नंबर एक पर आता है लंग्स यानी कि फेफड़ा। नंबर दो पर आता है साथियों लीवर, और नंबर तीन पर आता है साथियों किडनी, और साथियों नंबर चार पर आता है स्किन। यही तो पढ़े थे साथियों हमने। फिर मैंने आपको बताया था कि ये तो क्या है हमारे? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये साथियों मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है, मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है। बात क्लियर है? और साथियों हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है साथियों? किडनी है। किडनी को ही साथियों मुख्य उत्सर्जी अंग क्यों माना गया है? क्योंकि साथियों हमारे शरीर के जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, उन्हें शरीर से बाहर कौन करता है साथियों? किडनी साथियों छान करके मूत्र की सहायता से इन्हें साथियों शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। इस वजह से साथियों मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी है। तो साथियों ध्यान रखना है, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किडनी के बारे में पढ़ेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतना मैंने बता दिया था आपको कल। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? किडनी के बारे में पढ़ेंगे।
बात क्लियर है। लंग्स के बारे में साथियों श्वसन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। लीवर के बारे में किस में पढ़ते हैं साथियों, हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। ये बात क्लियर है। फिर उसके बाद में हमने क्या किया था साथियों, सजीवों को चार भागों में बांटा गया था, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और साथियों ग्वानोटेलिक। इन चार भागों के बाद में साथियों हमने क्लास रोक दी थी और आज की क्लास अब हम स्टार्ट करने वाले हैं साथियों ह्यूमन। आज हेडिंग क्या लगाओगे आप, ह्यूमन एस्किरेटरी सिस्टम यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र। हम मानव के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि साथियों हमारे जो सिलेबस में है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो साथियों ह्यूमन फिजियोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, मानव के ऊपर स्टडी की जाती है, मानव के ऊपर अध्ययन किया जाता है। तो साथियों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल हमने यहाँ तक डिस्कस किया था और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं साथियों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम किडनी से। हेडिंग क्या लगाओगे साथियों, आप लगाओगे ह्यूमन एक्सीलेटरी सिस्टम अर्थात मानव उत्सर्जन तंत्र। और इसमें हम आज की क्लास किससे स्टार्ट करने वाले हैं साथियों, किडनी से स्टार्ट करने वाले। चले भैया आगे देखिए, किडनी इसे वक्र कहा जाता है साथियों, और इसे आप शॉर्ट फॉर्म में कहने का मतलब अगर आप आम भाषा में से क्या कहते हो, गुर्दे कहते हो। क्या कहते हो साथियों, गुर्दे कहते हो। बात क्लियर है। तो साथियों सबसे पहले आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो देखिए मेरे भाई। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किडनी के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो साथियों ध्यान रखना है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रोलॉजी साथियों जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किडनी के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं, किडनी के बारे में डिटेल में जानने को मिलता है। वह शाखा कौन सी है साथियों जिसमें हम किडनी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वह शाखा है साथियों नेफ्रोलॉजी। बात क्लियर है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किडनी के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो भैया नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नहीं समझ में आया और बताता हूँ। जैसे कि साथियों हम हमारे हृदय के बारे में अध्ययन करते हैं, तो साथियों हृदय के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क के बारे में अध्ययन हम डिटेल में विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। हमारी अस्थियों के बारे में, हमारी हड्डियों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को साथियों ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। हमारी मांसपेशियों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है, मायोलॉजी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार साथियों हमारी आंखों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। हमारे दांतों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है, डेंटोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं साथियों उस शाखा को हीपेटोलॉजी कहा जाता है। हमारे नाक के बारे में अध्ययन साथियों विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है, राइनोलॉजी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है साथियों हमारी किडनी के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ये जितने भी मैंने बोली है साथियों मैं आपको सब लिखवाने वाला हूं, लेकिन एक सही समय आने पर। बात क्लियर है। अगर आपको इनके बारे में पढ़ना ही है तो साथियों आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने पर्सनल शाखाओं की एक वीडियो बना रखी है जिसमें साथियों मैंने सभी शाखाएं आपको करवा रखी है। तो साथियों अगर नेफ्रोलॉजी अगर आपके ऑप्शन में नहीं आए तो साथी रिनोलॉजी जरूर शब्द आपके ऑप्शन में आएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बात आई समझ में आपको। अब आप साथियों आपके किडनी में कोई प्रॉब्लम है, तो किडनी में प्रॉब्लम होगी तो आप कहाँ जाओगे भैया, किडनी के डॉक्टर के पास जाओगे या नहीं जाओगे। तो साथियों किडनी के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, किडनी के डॉक्टर को कहा जाता है साथियों नेफ्रोलॉजिस्ट।
नेफ्रोलॉजिस्ट, क्या कहा जाता है साथियों? नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है साथियों। नेफ्रोलॉजिस्ट वह व्यक्ति होता है जिसने साथियों किडनी के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में अध्ययन किया है, किडनी के बारे में वो साथियों इलाज करता हो, बीमारियों के बारे में उसने अध्ययन किया हो। यानी कि मैं एक सीधे सिंपल भाषा में बात करूं तो किडनी का जो डॉक्टर है साथियों वो क्या है, वो नेफ्रोलॉजिस्ट कहलाता है। और किडनी का अध्ययन साथियों नेफ्रोलॉजी और रिनोलॉजी, ये बात आपको समझ में आ गई साथियों। दो किडनी होती है, कितनी किडनी होती है? दो किडनी होती है, एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये होती है साथियों दायां किडनी और ये होता है हमारा बायां किडनी। ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि भैया ये कहां पर स्थित होती है। तो साथियों ये होती है उदर गुहा में पीछे की तरफ। अब साथियों सबसे पहले तो आपको यह समझ में नहीं आया होगा कि उदर गुहा क्या है। तो साथियों उदर गुहा को इंग्लिश में कहा जाता है एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी का मतलब होता है साथियों खाली स्थान। बात क्लियर है? उदर गुहा साथियों हमारे शरीर में वह जगह होती है जहां पर सीने वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है, जहां पर हमारा सीने वाला पोर्शन खत्म होता है और पेट वाला स्टार्ट होता है, तो उसके बीच में जो जगह है साथियों वो होती है एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा। इस उदर गुहा के आगे की तरफ साथियों लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत होती है और भैया पीछे की तरफ क्या होती है? किडनी होती है। बात क्लियर है? लेकिन इसकी प्रोफेशनल लोकेशन पूछी जाए तो वो होती है भैया पेक्टोरियल कैविटी, पेक्टोरियल कैविटी। पेक्टोरियल कैविटी कैसी होती है? जैसे हमारा मुंह का ये वाला भाग है, ये वाला, तो ये जो खाली जगह है साथियों इसे मुख गुहा या बक्कल कैविटी कहा जाता है। बात क्लियर? इस मुख गुहा में क्या क्या उपस्थित होता है? तो जीभ होती है और हमारे दांत होते हैं। तो साथियों हमारे दांत, जैसे कि ये दांत है आपका, तो दांत ये जिस खाली जगह में स्थित है इस खाली जगह को कहा जाता है लुगदी गुहा, लुगदी गुहा। तो ठीक उसी तरीके से साथियों जहां पर आपकी किडनी होती है उसे कहा जाता है पेक्टोरियल कैविटी। क्या कहा जाता है मित्र? पेक्टोरियल कैविटी कहा जाता है। यह बात आपको समझ में आ गई? और बताइए साथियों, इसके साथियों वजन की बात कर लेते हैं। इसका वजन कितना होता है? तो ध्यान रखना एक किडनी का, दो किडनी होती है, एक किडनी का वजन होता है साथियों 170 ग्राम। 170 ग्राम कितना होता है साथियों? 170 ग्राम इसका वजन होता है। दोनों किडनियों का कितना हो जाएगा? दोनों किडनियों को हो जाएगा साथियों 340 ग्राम। ये तो हो गया एक किडनी का और ये हो गया साथियों दोनों किडनियों का। बात क्लियर है? अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं साथियों, तो छोटे बच्चों में जो किडनी होती है वो होती है भैया 30 से 40 ग्राम की। कितने ग्राम की होती है साथियों? 30 से 40 ग्राम की होती है। बात आपको समझ में आ रही है? और देखिए भैया इसकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है साथियों 10 से 12 सेंटीमीटर। लंबाई कैसे? मान लीजिए ये आपकी किडनी है तो ये हो गई इसकी लंबाई। तो लंबाई कितनी होती है साथियों इसकी? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। बात आपको समझ में आई साथियों? अगर मैं इसकी मोटाई की बात करूं कुछ इस तरीके से कि इसकी मोटाई कितनी होती है, तो भैया इसकी मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। साथियों इसकी मोटाई कितनी होती है मित्र? 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। अगर मैं इसके व्यास की बात करूं साथियों, तो इसका व्यास कितना होता है? तो व्यास होता है साथियों 3 से 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जाएगा, यह तो पता नहीं, जरूरी नहीं कि पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह जरूर पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में वजन कितना होता है। बात क्लियर है? इसका आकार कैसा होता है साथियों? आकार साथियों आपको करके आना है राजमा के समान। तो राजमा के समान तो साथियों ऑप्शन में नहीं आएगा, आएगा आपके ऑप्शन में सोयाबीन के समान। इसकी आकृति कैसी होती है?
सोयाबीन के समान इसकी आकृति होती है, आकार होता है। बोलो साथियों, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बताओ भाई साहब, आई नहीं आई? बोलो भैया। और देखिए इसके बारे में साथियों, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? तो भैया इसका रंग होता है भूरे लाल रंग की होती है, भूरे लाल रंग की होती है। बोलो आपको समझ में आया नहीं आया? भैया मैंने कहा जो समझ में आया नहीं आया। अगर इतनी बात समझ में आ गई है साथियों, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ह्यूमन एक्सीलेटरी सिस्टम, यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम हमारी किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहला जो आपकी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है साथियों कि किडनी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो साथियों, उस शाखा को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। क्या कहा जाता है मित्र? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगर साथियों नेफ्रोलॉजी ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो भैया रेनोलॉजी रहेगा। क्या रहेगा? रेनोलॉजी रहेगा। अगले क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भैया किडनी के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो साथियों, किडनी के डॉक्टर को कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। बात क्लियर है साथियों? हमारी जो किडनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। कितनी होती है भाई? दो होती है। ये तो है दाई किडनी और ये है बाई किडनी। साइंस में कभी भी ध्यान रखना, इस तरफ वाली होती है वो दाई होती है, और इस तरफ वाली होती है वो बाई किडनी होती है। फिर हमने इसके लोकेशन की बात की कि भैया लोकेशन कहाँ होती है? तो मैंने कहा कि उधर गुहा के पीछे की तरफ होती है। फिर मैंने आपको बताया कि उधर गुहा क्या होता है, तो जहां पर आपका सीने वाला भाग खत्म होता है और पेट वाला भाग चालू होता है, तो उसके बीच में जो रिक्त स्थान, जो खाली जगह पाई जाती है, वो होता है एब्डोमिनल कैविटी। इसके आगे की तरफ क्या होता है? उधर गुहा के आगे की तरफ तो आपका लीवर होता है, आपकी छोटी आंत होती है, आपकी बड़ी आंत होती है। लेकिन पीछे की तरफ क्या होता है? तो भैया पीछे की तरफ आपकी किडनी होती है। बात क्लियर है? इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। पर्सनल, इसकी पर्सनल कैविटी कौन सी है? पर्सनल गुहा कौन सी है? तो पेक्टोरियल कैविटी है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। बात क्लियर है? अगर ऑप्शन में ये एब्डोमिनल कैविटी के पीछे आ जाए, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, तो कहने का मतलब उधर गुहा के पीछे की तरफ तो आए तो ये करके आना है, और पेक्टोरियल कैविटी आए तो पेक्टोरियल कैविटी करके आना है। उसके बाद में साथी हमने क्या पढ़ा? किसका वजन कितना होता है? तो मैंने कहा कि एक किडनी का वजन होता है 170 ग्राम, और दोनों किडनियों का वजन कितना होता है? 340 ग्राम। छोटे बच्चे में किडनी का भार कितना होता है? तो 30 से 40 ग्राम होता है। और देखिए इसकी लंबाई कितनी होती है? तो ये हो गई भैया इसकी लंबाई, इस किडनी की 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। मोटाई कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ये इसकी मोटाई हो गई। व्यास कितना होता है इसका? 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। बात क्लियर है? आकार कैसा होता है? तो राजमा के समान या सोयाबीन के समान इसका आकार होता है। इसका रंग कैसा होता है? तो भैया भूरे लाल रंग की होती है। बोलो अब आपको क्या समझ में आया? जितना मैंने आपको बताया है उतना समझ में आया नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो ये बताओ, नहीं आया है तो ये बताओ, आ गए हो तो चले आगे, मिटा दो। ठीक है भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं हम कि भैया हमारे शरीर के जो अंग है वो किसके बने होते हैं? शरीर के अंग, तो भैया शरीर के जो सभी अंग है वो भैया सेल से बने होते हैं, यानी कि कोशिकाओं के बने होते हैं। क्या आप इस बात को मानते हो? किडनी भी क्या है? किडनी भी साथियों एक ऑर्गन है, तो किडनी भी किसकी बनी होगी साथियों? ये भी भैया सेल की बनी होगी। लेकिन हमारी किडनी जिस सेल की बनी होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है साथियों नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन।
इसे वक्राणु कहा जाता है हिंदी में। हो सकता है बोलने में परेशानी आ रही हो मुझे, लेकिन नेफ्रोन आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा किडनी जिस सेल की बनी होती है, जिस कोशिका की बनी होती है, उसे क्या कहा जाता है? नेफ्रोन कहा जाता है। साथियों आपको पता है मानव का जो शरीर होता है, मानव का नहीं, सभी जो जितने भी लिविंग है, जितने भी सजीव है, सजीवों का जो शरीर है साथियों किससे मिल करके बना होता है? कोशिकाओं से मिल करके बना होता है। तो ध्यान रखना है साथियों, ठीक उसी प्रकार हमारी जो किडनी है ये भी किससे मिल करके बनी होती है? कोशिकाओं से मिल करके बनी होती है। कौन सी कोशिका है? नेफ्रोन है। साथियों इस नेफ्रोन को ध्यान से सुनना, किडनी की सबसे छोटी इकाई, इस किडनी की सबसे छोटी इकाई, या फिर मैं कह सकता हूं कि किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। किसे भैया? नेफ्रॉन। जिस तरीके से साथियों हमारे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, जिस तरीके से कोशिका हमारे शरीर की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक उसी प्रकार भैया ध्यान रखना है आपको किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? साथियों नेफ्रोन होती है। किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कौन होती है? साथियों नेफ्रोन होती है। ध्यान रखना है साथियों जो किडनी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ जो आपकी किडनी है इस किडनी का कार्य क्या है। तो भैया इसका कार्य है ब्लड को छानना, ब्लड को छानना और साथियों मूत्र का निर्माण करना, मूत्र का निर्माण करना। किडनी का कार्य क्या है साथियों? ब्लड को छानना और मूत्र का निर्माण करना। तो भैया ब्लड को छानने का कार्य कौन करता है? किडनी करती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी में कौन करता है, तो भैया नेफ्रॉन करता है, क्योंकि इस नेफ्रॉन को ही तो किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा गया है। किडनी की सबसे छोटी इकाई है साथ ही इस नेफ्रॉन में ही होता है जो कुछ होता है, जो ये नेफ्रॉन ही भैया इस ब्लड को छानने का कार्य करती है और मूत्र के निर्माण में सहायक होती है। ध्यान रखना है साथियों जो नेफ्रॉन है ये नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी इकाई वह किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहलाती है। बोलो आपको समझ में आया नहीं आया? अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रोन है, और भैया किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो दोस्तों ध्यान रखना है किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी भैया कौन है? नेफ्रोन है। किडनी का जो मुख्य कार्य है यानी कि ब्लड को छानने का जो मुख्य कार्य है साथियों और मूत्र का निर्माण करने का जो कार्य है वो कौन करता है? वो भैया आपका नेफ्रोन करता है। कौन करता है मित्र? नेफ्रोन करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो ये बात आपको समझ में आई है? यहां तक बात समझ में आ गई? तो और देखिए साथियों एक किडनी में लगभग 1 मिलियन क्या पाए जाते हैं साथियों? नेफ्रोन पाए जाते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है साथियों 10 लाख। और साथियों ये 10 लाख जो नेफ्रोन है ये ध्यान रखना है साथियों 15 से 20 साल तक आराम से ब्लड को फिल्टर कर देते हैं, यानी कि ब्लड को छान देते हैं। साथियों कभी आपने सुना है क्या कि भैया एक किडनी को बेच दो और भैया उस किडनी से आप एक गाड़ी ले आओ? सुना होगा आपने, अधिकांश गांवों में कहते हैं कि तेरी तो तू एक किडनी बेच दे, काम चल जाएगा दूसरी किडनी से। लेकिन फेफड़ों में ऐसा क्यों नहीं होता? फेफड़ों के बारे में क्यों नहीं कहा जाता? फेफड़े भी तो दो होते हैं, एक फेफड़े भी तो बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा ब्रेन भी तो 3 भागों में बटा हुआ होता है, क्या एक भाग को बेच देते हो क्या आप? नहीं। हमारे हृदय भी तो 4 लोबों में बटा हुआ होता है, क्या हृदय के कुछ लोब, क्या कुछ लोब बेच सकते हो क्या? नहीं। तो फिर किडनी ही क्यों बेचते हो भैया आप? तो साथियों ध्यान रखना, दो किडनी होती है और दोनों ही किडनी
अलग अलग टिश्यू से, अलग अलग सेल से बनी हुई होती है। इन दोनों का आपस में कनेक्शन कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमारे दो हाथ है साथियों, एक हाथ कट जाने पर दूसरा हाथ कार्य करता रहता है, ठीक उसी तरीके से हमारी जो किडनी होती है, वो एक किडनी खराब हो जाने पर या फिर एक किडनी को निकाल देने पर साथियों दूसरी किडनी से कार्य किया जा सकता है। अगर इंसान में से किडनी निकाल दी जाए साथियों, एक किडनी निकाल दी जाए तो दूसरी किडनी से जीवित रह सकता है। मैंने आपको बताया ना कि एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और ये 10 लाख नेफ्रॉन भैया 10 से 12 साल तक आराम से निकाल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 15 से 20 साल तक आराम से हमारे खून को छानता रहता है भैया ये एक किडनी ही, इसमें जो नेफ्रॉन होते हैं ये वाले ही। लेकिन भैया जो फेफड़े होते हैं वो भैया दो होते हैं, वो एक ही सेल एक ही टिश्यू से बने मिलकर के बने होते हैं। तो अगर एक फेफड़ा हटा दोगे साथियों तो दूसरा फेफड़ा भी आपका नष्ट हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ही साथियों आपका हृदय, हृदय की अगर आप एक लोब काट दोगे, लोब होती है एक्चुअली में वो पार्ट अलग अलग भागों में नहीं होता, अलग चार भागों में बटा होता है आपका फेफड़ा, तो अगर उसकी एक लोब काट दी जाए साथियों तो पूरा हृदय ही नष्ट हो जाता है। इसलिए भैया हृदय को ध्यान रखना है आपको, नहीं डैमेज किया जा सकता, नहीं बेचा जा सकता, नहीं निकाला जा सकता, सिर्फ किडनी को निकाला जा सकता है एक किडनी को। इसलिए तो कहते हैं कि एक किडनी खराब होने पर भैया जो दूसरी किडनी है उससे काम चलाया जा सकता है। अब बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। तो मैंने आपसे कहा कि जो नेफ्रॉन होता है भैया वो ब्लड को छानने का कार्य करता है और मूत्र का निर्माण करने में सहायक होता है। अब हम किडनी की संरचना बनाएंगे किस तरीके से, तो भैया इसमें ब्लड का निर्माण होता है और किस तरीके से ब्लड छनता है और किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो ये बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे देखिए भैया। काम क्या बताया भैया किडनी का, कि ब्लड को छानना, और मूत्र का निर्माण करना। देखिए संरचना, साथियों जो बाएं किडनी होती है ध्यान रखना है वो थोड़ी सी ऊपर होती है दाएं किडनी से, इसलिए मैंने ऐसे बना दी। बात क्लियर है? देखिए ये क्या है, ये आपकी दोनों किडनियां हैं और इन किडनियों में क्या होते हैं साथियों, कोशिकाएं होती है, और उस कोशिका का नाम क्या है, तो उस कोशिका का नाम है साथियों नेफ्रॉन। उस कोशिका का नाम क्या है साथियों, नेफ्रॉन है। बात क्लियर है? ये क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक उसी तरीके से साथियों इसमें भी क्या है, बहुत सारे नेफ्रॉन हैं। एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं साथियों, तो मैंने कहा था 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। किडनी के पास क्या आता है, अलग अलग अंगों से साथियों ब्लड आता है। किडनी क्या करती है, इस ब्लड को छानती है। ब्लड को छान करके साथियों वापिस जिस ऑर्गन के पास से ब्लड आया उसको वापिस भेज देगी। बात क्लियर है? मैंने सिर्फ आपको अभी तक इतना बताया कि किडनी के पास ब्लड आता है एक नली से, तो और दूसरी नली से छन करके वापिस जिस ऑर्गन के पास से ब्लड आया है उस ऑर्गन के पास भेज दिया जाता है। फिर साथियों जो बचा हुआ पदार्थ है छनने के बाद में साथियों ब्लड से जो बचा हुआ पदार्थ है वो भैया ये होती है मूत्रवाहिका। इन मूत्रवाहिकाओं की सहायता से साथियों कहाँ चला जाता है, मूत्राशय में चला जाता है। ये क्या है साथियों, ये है मूत्राशय। और फिर साथियों इसमें इकट्ठा होता है कुछ समय के लिए और फिर साथियों मूत्र मार्ग की सहायता से ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है।
कुछ आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? थोड़ा थोड़ा तो आ गया होगा समझ में। मैंने कहा कि आपकी किडनी के पास साथियों अलग अलग अंगों से ब्लड छनने के लिए आता है। आ गया। छनने के बाद में साथियों दूसरी नलिका से, यानी कि जिस अंग के पास से आपका ब्लड आया उसी अंग के पास वापिस चला जाता है। बात क्लियर है? अब साथियों छनने के बाद में जो बचा हुआ पदार्थ है वो होता है मूत्र, यूरिन। वो साथियों मूत्रवाहिका की सहायता से खा जाता है, मूत्राशय में आ जाता है। ये मूत्रवाहिका है, ये मूत्राशय। मूत्रवाहिका का कार्य क्या है साथियों? तो देखिए मूत्रवाहिका का कार्य है किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना, मूत्राशय तक पहुंचाना। बात आपको समझ में आ गई? मूत्राशय में क्या होता है साथियों? मूत्र इकट्ठा होता है, मूत्र इकट्ठा होता है। नोट लगा कर लिखना है साथियों, कुछ समय के लिए, इसमें कुछ समय के लिए साथियों मूत्र इकट्ठा होता है। ये क्या है साथियों? ये है भैया मूत्र मार्ग, और इससे होता हुआ साथियों मूत्र हमारे शरीर से बाहर जाता है। तो मूत्र मार्ग की सहायता से मूत्र शरीर से बाहर जाता है। बोलो अब आपको क्या समझ में नहीं आया मित्र? बस जो मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। मैंने ये कहा कि ये आपकी किडनियां, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, बहुत सारी कोशिका होती है, उन कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? ये ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। अलग अलग अंगों से साथियों हमारी किडनी के पास ब्लड आता है और साथियों नेफ्रॉन इसे छान करके एक नली होती है, जिस अंग के पास से जो ब्लड आया है उसे छान करके वापस उसे भेज दिया जाता है। वो कौन कौन सी नली है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, सिर्फ आपको अपना ध्यान रखना है। ब्लड को छानने के बाद में जो बचा हुआ जो पदार्थ है साथियों मूत्र कहलाता है। इस मूत्र में क्या क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। फिर इस मूत्र को साथियों मूत्रवाहिका की सहायता से किडनी से मूत्राशय तक लेकर आया जाता है। ये क्या है? ये मूत्रवाहिका है, ये नली। मूत्राशय में साथियों थोड़ी देर मूत्र इकट्ठा होता है कुछ समय के लिए, और फिर साथियों मूत्र मार्ग की सहायता से हमारे शरीर से इस मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है किडनी का कार्य। अब साथियों नेफ्रॉन की संरचना भी पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण होता है, सॉरी ब्लड को छानने का कार्य होता है, और किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है। लेकिन फिलहाल आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ये चीज समझ में आ गई? बोलो आपको समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं साथियों कि भैया हमारे ब्लड में ऐसा क्या क्या होता है जिससे इसको छानने की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें बुरी होती है। बुरी में क्या क्या आता है? तो क्रिएटिनिन, ये अपशिष्ट पदार्थ है, मैंने आपको शुरू में बताया था। यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये क्या है साथियों? ये अपशिष्ट पदार्थ है, टॉक्सिक पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है हमारे शरीर के लिए। ये वाले अच्छे पदार्थ कौन कौन से हैं? तो भैया वाटर है, ऐसी बात नहीं है, वाटर भी इनके साथ भी ऐड होता है तभी जाकर के। तो साथियों ये यूरिन बनता है, मूत्र बनता है, नहीं तो ये बिना पानी के ये हमारे शरीर से बाहर थोड़ी ना जाएंगे, नहीं जा सकते ना। तो साथियों इसमें मूत्र भी ऐड होता है। लेकिन इस तरफ अच्छे पदार्थों में कौन कौन होता है? वाटर है, ग्लूकोज है, वाइटामिन्स है, आयंस है, मिनरल्स है, NaCl है। इतनी सारी चीजें होती है साथियों जो हमारे ब्लड में अच्छी होती है। तो साथियों इन अच्छी जो चीजें हैं इनका तो अवशोषण कर लिया जाता है हमारी किडनी में, जो नेफ्रॉन जो संरचना है साथियों उसमें इनका तो अवशोषण कर लिया जाता है, और साथियों ये जो हानिकारक पदार्थ है इन हानिकारक पदार्थों को साथियों मूत्र में मिला करके, यानी मूत्र के नहीं वाटर के साथ मिलाकर के साथियों इन्हें मूत्र की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बताओ अब आपको क्या समझ में नहीं आया? अभी हम यह पढ़ने वाले हैं कि भैया हमारे शरीर में ब्लड किस तरीके से छनता है और मूत्र का निर्माण कैसे होता है। लेकिन मैंने आपको बाहरी संरचना बताई है किडनी की, ये भैया किडनी की बाहरी संरचना है। किडनी का ऊपर का कार्य कुछ इस तरीके से होता है। ब्लड आया,
नेफ्रॉन छानेगा, नेफ्रॉन क्या है, कोशिका है, छान करके ब्लड को तो भाई साहब जिस अंग के पास आया उसके पास भेज देगा। फिर साथी जो बचा हुआ पदार्थ है वो मूत्र कहलाएगा। ये मूत्र साथी मूत्रवाहिका की सहायता से मूत्राशय तक आता है, मूत्राशय में कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है और फिर मूत्र मार्ग की सहायता से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब साथियों बात यह आती है कि ब्लड में ऐसा क्या होता है जिसे इसे छानने की आवश्यकता होती है, तो मेरे भाई ब्लड में ये सारी चीजें होती है। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, अगर ये हमारे शरीर से बाहर नहीं जाएंगे साथियों तो हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर देंगे। इस वजह से इन्हें बाहर निकालना अत्यधिक आवश्यक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये कुछ अच्छे पदार्थ होते हैं साथियों जो हमारे ब्लड में उपस्थित होते हैं, इनका अवशोषण कर लिया जाता है जो अच्छे अच्छे पदार्थ होते हैं उनका, इस नेफ्रॉन की संरचना में ही। अब हम नेफ्रॉन की संरचना पढ़ेंगे जिसमें आपको और अच्छे से बताएंगे कि ये किस तरीके से अवशोषण होता है और किस तरीके से साथियों इनको छान करके अलग किया जाता है। एक एक चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले आप ये बताओ आपको ये समझ में आया नहीं आया, दो बार बता दूंगा, तीन बार बता दूंगा, लेकिन भैया आपको समझ में आना चाहिए। किडनी के बारे में बेसिक बातें हमने पिछली स्लाइडों में अच्छे से पढ़ ली थी, आकार क्या होता है, लोकेशन क्या होती है, मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, अध्ययन क्या कहलाता है, किडनी के डॉक्टर को क्या कहा जाता है, किडनी का वजन कितना होता है, ये सारी बातें हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ली। अब हम कार्य पढ़ रहे हैं किस तरीके से हमारी किडनी कार्य करती है। तो साथियों किडनी की जो बाहरी संरचना है यानी कि मोटे मोटे तौर पर देखे जाए तो किस तरीके से कार्य करती है, मैंने आपको ये बताया है। अब ये नेफ्रॉन किस तरीके से कार्य करता है उसके बारे में बात करेंगे कि भैया किस तरीके से ब्लड को छानता है और किस तरीके से साथी मूत्र का निर्माण करता है। मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं लेकिन बात आपको याद होनी चाहिए, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो बात आपको याद होनी चाहिए, एक भी बात नहीं छोड़ने वाला साथियों में आपकी। जो आपसे एग्जामिनर पूछता है वो सभी बातें बताऊंगा। हाँ हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग हो क्योंकि मैं कोई स्पेशल टीचर तो हूं नहीं, हूं बस मेहनत कर रहा हूं, और अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए भैया किडनी का कार्य क्या बताया मैंने, ब्लड को छानना और भैया मूत्र का निर्माण करना। किस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है, किस तरीके से ब्लड छनता है वो देखिए। दो हमारी किडनी होती है साथियों, जो बाएं किडनी है थोड़ी ऊपर होती है, दाएं किडनी थोड़ी छोटी होती है, हाँ आकार में सेम होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो भैया जिस ऑर्गन के पास से ब्लड आया, पहले तो किसी मानव शरीर के जो अलग अलग ऑर्गन है साथियों उनके पास से, हमारी किडनी के पास से ब्लड छनने के लिए आता है। साथियों हमारी किडनी में बहुत सारी कोशिका होती है जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, जो ब्लड आया है छनने के लिए उसे छान करके साथियों दूसरी नलिका की सहायता से जिस ऑर्गन के पास से ब्लड छनने के लिए आया उसके पास छान करके वापस भेज देता है। फिर किडनी में जो बचा हुआ पदार्थ है साथियों वो मूत्रवाहिका की सहायता से कहाँ आता है, मूत्राशय तक आता है। फिर मूत्राशय में कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है और फिर साथियों से मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ ये बाहरी संरचना है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दी, लिखी हुई है। अब बात यह आती है कि भैया ब्लड को छानने की क्या हो सकता है, ब्लड में ऐसा क्या होता है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, क्यों छाना जाता है ब्लड को। तो भैया इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं, कुछ अच्छे पदार्थ होते हैं, इसलिए छाना जाता है भैया ब्लड को। ब्लड ही तो है हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि लीवर है और एक है आपका हृदय, हृदय से आपको लीवर तक कुछ संकेत भेजने हैं तो भैया ब्लड की सहायता से जाएंगे। किडनी से आपको आपके मस्तिष्क तक कुछ संकेत भेजने हैं तो किसकी सहायता से जाएंगे, वो भैया ब्लड की सहायता से ही संकेत जाएंगे, मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा। ब्लड इंपॉर्टेंट है भैया, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है ब्लड। मैंने आपको मन ब्लड वाला चैप्टर करवा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। देखिए ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड में कुछ अच्छी चीजें होती है, कुछ बुरी चीजें होती है। बुरी चीजों में क्रिएटिनिन है, यूरिन है, सॉरी यूरिया है, यूरिक अम्ल है और साथियों अमोनिया है। ये क्या है, बुरी चीजें हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। जब साथियों इनके साथ में वाटर मिल जाता है तो वो मूत्र कहलाता है, यूरिन कहलाता है, बात क्लियर है। अवशोषण किस किस को होता है साथियों, हमारे ब्लड में छनने के बाद में वाटर का, ग्लूकोज का, विटामिन का, आयंस, मिनरल्स, NaCl, नमक, ये अच्छी चीजें होती है साथियों जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती है, जिनके हमें शरीर को आवश्यकता होती है। बोलो यहां तक बात क्लियर है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया क्या, मिटा दूं? ओके भैया।
देखिए भैया, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन के बारे में कि भैया नेफ्रॉन किस तरीके से हमारे ब्लड को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान रखना। किडनी की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो भैया किडनी की सबसे छोटी इकाई है मित्र, दिख रहा है ना आपको? हाँ, नेफ्रॉन। और किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई भी यही है। किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई। क्यों कहा गया इसे किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई? क्योंकि साथियों ब्लड को फिल्टर करने का और मूत्र का निर्माण करने में कौन सहायक होता है? ये होता है। इसका कार्य क्या है? ब्लड को छानना और किसका निर्माण करना? मूत्र का निर्माण करना। साथियों एक किडनी में इसकी संख्या कितनी होती है? तो लगभग 10 लाख होती है। मैंने आपको बताया था 1 मिलियन होती है। 1 मिलियन बराबर क्या होता है? 10 लाख होता है। दोनों किडनियों में साथियों कितना होता है? 20 लाख होता है। और साथियों अब हम पढ़ने वाले हैं इस 10 लाख में से सिर्फ एक नेफ्रॉन की संरचना, जिससे आपको जितने भी नेफ्रॉन है सभी की संरचना समझ में आ जाएगी कि सभी नेफ्रॉन किस तरीके से कार्य करते हैं। बात आपको समझ में आ गई? तो मैं हेडिंग लगा सकता हूं साथियों, दिख रहा है आपको? हाँ, एक नेफ्रॉन की संरचना, एक नेफ्रॉन की संरचना। देखिए भैया, ये फिल्टर है भैया, ये क्या है साथियों? फिल्टर है। ये क्या काम करते हैं? ये भैया ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। इन्हें कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के गुच्छे। इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्टर, ग्लोमेरुलस फिल्टर। बात आपको समझ में आ गई क्या? ये बताओ क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है। और हिंदी में क्या कहा जाता है साथियों? ग्लोमेरुलस के गुच्छे कहा जाता है। फिर साथियों इसके बाहर की तरफ एक कप जैसी संरचना होती है, कप के समान संरचना, कप के समान संरचना। इसे कहा जाता है बोमेंस कैप्सूल, बोमेन का संपुट। साथियों ग्लोमेरुलस के गच्छे कुछ इस तरीके से लगे होते हैं जैसे कि कप में कोई मैगी पड़ी हुई हो, इसकी संरचना इस तरीके से दिखती है। तो साथियों ये क्या है? छोटे छोटे से छिद्र है। और ये कार्य क्या करते हैं ग्लोमेरुलस के गुच्छे? भैया ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। बात आपको समझ में आ गई? देखिए भैया इस ग्लोमेरुलस के पास साथियों एक नली होती है जो भैया ब्लड को लेकर आती है। नाम क्या है उसका? तो उसका नाम है भाई अफ्रियंट आर्ट्रियोल्स, अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी। ये अभिवाही धमनी क्या करती है साथियों? ग्लोमेरुलस के पास में ब्लड को विभिन्न अंगों से, हमारे शरीर के अनेक अंगों से लेकर आती है भैया अशुद्ध रक्त को छनने के लिए। किसके पास? ग्लोमेरुलस के गुच्छे के पास। फिर साथियों जब ये ब्लड छन जाता है साथियों, तो वापस एक धमनी और होती है, उसे बोला जाता है इफ्रियंट, ई डबल एफ
ई आर ई एन टी आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स इसे कहा जाता है अपवाही, अपवाही ध्वनि। ये तो है हिंदी में अभिवाही ध्वनि और ये है साथियों अपवाही ध्वनि। अभिवाही ध्वनि क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है, और जो अपवाही ध्वनि होती है साथियों वो क्या करती है, ब्लड को छनने के बाद में लेकर जाती है। तो ब्लड आया भैया ग्लोमेरुलस के गुच्छे के पास, कौन लेके आया, अभिवाही ध्वनि लेके आई, ब्लड को इस ग्लोमेरुलस के गुच्छे ने छाना साथियों, और फिर अपवाही ध्वनि की सहायता से इसे जिस अंग के पास से वो ब्लड आया था उस अंग के पास भेज दिया। बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई साथियों। ये जो छोटे छोटे से जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं साथियों, इन्हें ग्लोमेरुलस के गुच्छे कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है। और साथियों कप के समान ही इसके चारों तरफ जो संरचना है इसे क्या कहा जाता है, इसे बोमेन का संपुट है, इसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। बात क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, दो दो बार रिवीजन करवाने वाला हूं, फिलहाल देख लीजिए। फिर उसके बाद में साथियों इसकी संरचना कुछ इस तरीके से होती है। ये देखिए भैया ये है पीसीटी, इस पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है मैं लिख दूंगा। ये है साथियों हेनले का लूप, ये जो यू आकार की जो संरचना है साथियों ये है हेनले का लूप, हेनले का लूप। ये है साथियों डीसीटी, और ये है साथियों संग्रहित नलिका, संग्रहित नलिका। ये उतरती हुई नली है साथियों, तो इसे कहा जाता है अवरोही नली। अवरोही नली का मतलब क्या है, उतरती हुई नली, और साथ ही चढ़ती हुई नली है, तो ये क्या है, आरोही नली। अब पीसीटी और डीसीटी के बारे में सुनिए साथियों, पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। साथियों एक होती ट्यूब और एक होती ट्यूब्यूल। ट्यूब क्या होती है, ट्यूब का 1000वां हिस्सा होता है साथियों ट्यूब्यूल, यानी कि जब आप ट्यूब को काटोगे साथियों तो उसका 1000वां जो हिस्सा होगा वो होता है ट्यूब्यूल। तो साथियों पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि आगे की तरफ झुकी हुई नली। और डीसीटी का मतलब क्या है साथियों, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि पीछे की तरफ झुकी हुई नली। यह अवरोही नली है, यह आरोही नली है, डीसीटी है, और यह संग्रहित नली का है। सबसे पहले आप ये बताओ ये आपको समझ में आया नहीं आया, बोलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये पीसीटी का कार्य क्या है, डीसीटी का कार्य क्या है, संग्रहित नली का कार्य क्या है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको ये तो बता दिया अभिवाही ध्वनि, तो साथियों शरीर के विभिन्न अंगों से, ये अभिवाही ध्वनि शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को लेकर के आई, अशुद्ध ब्लड को जो छनने के लिए आया है साथियों उसे ग्लोमेरुलस ने क्या किया, उस ब्लड को छाना, और साथियों अपवाही ध्वनि की सहायता से वापस छान करके जिस ब्लड जिस अंग के पास से आया था ब्लड उस अंग को वापस भेज दिया। तो ब्लड तो साथियों छन करके चला गया, अब साथियों हुआ क्या, जो बचा हुआ जो पदार्थ था वो साथियों सबसे पहले पीसीटी के पास पहुंचा। पीसीटी क्या करती है साथियों, ग्लूकोज का और अमीनो अम्लों का अवशोषण करती है, ग्लूकोज का और अमीनो अम्लों का अवशोषण करती है पीसीटी। क्या करती है साथियों आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मैं टेंशन मत करो एक एक पॉइंट आपको लिखवाने वाला हूं, सिर्फ मैं आपको अभी समझा रहा हूं पीसीटी का कार्य क्या है। पीसीटी क्या करता है, ग्लूकोज को और साथियों अमीनो अम्लों का, अमीनो एसिड का अवशोषण करता है, दिखा आपको, हाँ अवशोषण करता है। और साथियों इसमें H+ आयन
त्याग देता है। कौन? एसिटी। जिससे क्या होता है साथियों, जो मूत्र है उस मूत्र का पीएच मान, जो मूत्र है साथियों मूत्र अम्लीय हो जाएगा। एच प्लस आयन तय गया ना इसने, तो मूत्र है साथियों वो अम्लीय हो जाएगा। मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो साथियों मैं लिख सकता हूं कि मूत्र का पीएच 6 हो जाएगा। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रकृति हो जाएगी साथियों दुर्बल अम्लीय। टेंशन मत करना, ये सभी बातें मैं आपको लिखवाने वाला हूं। सिर्फ अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि भैया पीसीटी क्या करेगी। भाई ब्लड तो छन गया, बचा हुआ जो पदार्थ है पीसीटी में है। पीसीटी ने क्या किया? ग्लूकोज और अमीनो एसिड है इसका अवशोषण किया और इसमें एच प्लस आयन त्याग दिया, जिससे मूत्र की प्रकृति कैसी हो गई? जो बचा हुआ जो पदार्थ था उसकी प्रकृति कैसी हो गई? अम्लीय हो गई। तो ध्यान रखना है मूत्र का पीएच मान, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है साथियों? दुर्बल अम्लीय होती है। बात क्लियर है? फिर साथियों पीसीटी दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक है अवरोही नली और एक है आरोही नली। तो साथियों अवरोही नली का अलग कार्य यह है और आरोही नली का अलग कार्य है। अवरोही नली क्या करती है साथियों? ये पानी का पुनः अवशोषण करती है, पानी का पुनः अवशोषण करती है। एक बार तो पहले हो गया था अवशोषण, जब हमने पानी पिया तब कोशिकाओं के द्वारा, दोबारा पुनः अवशोषण करेगी। आरोही नली क्या करती है? ये भैया आयंस और जो NaCl है इनका अवशोषण करती है। बात क्लियर है? इनसे होती हुई अब जो मूत्र है वो कहां पहुंच जाएगा? डीसीटी के पास पहुंच जाएगा। साथियों डीसीटी में कोई अवशोषण नहीं होता, डीसीटी में कोई अवशोषण नहीं होता और साथियों संग्रहित नलिका में पहुंच जाएगा। संग्रहित नलिका में साथियों बचा हुआ पदार्थ इकट्ठा होगा। फिर इससे जो मूत्रवाहिका थी, मूत्रवाहिका की सहायता से मूत्राशय तक पहुंचेगा भैया ये मूत्र, और फिर मूत्राशय में कुछ समय इकट्ठा होने के पश्चात मूत्र मार्ग के द्वारा साथियों शरीर से बाहर जाएगा। बोलो आपको कहानी समझ में आई या नहीं आई? फिर साथियों मैं आपको एक एक चीज पढ़ाने वाला हूं, अभिवाय धमनी, अपवाय धमनी, ग्लोमेरुलस के गुच्छे, ये बोमन संपुट, ये पीसीटी, डीसीटी, ये संग्रहित नलिका, साथियों में सब एक एक आपको सब चीजें लिखवाने वाला हूं। फिलहाल आप जितना डायग्राम की सहायता से समझोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा भैया जी, जितना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए डायग्राम की सहायता से समझो, एक एक बार नहीं, दो दो बार नहीं, तीन तीन बार रिविजन करेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। कल फिर साथियों मैं आपको डायग्राम नहीं समझाऊंगा, सिर्फ मैं कल आपको लिखवाऊंगा, इनके कार्य लिखवाऊंगा कि अभिवाय धमनी क्या करती है, अपवाय धमनी क्या करती है, ग्लोमेरुलस के गुच्छे क्या करते हैं, किसके बने होते हैं, पीसीटी का कार्य क्या है, कितने भागों में बटा होता है, डीसीटी का कार्य क्या है, संग्रहित नलिका क्या है, ये सब मैं आपको लिखवाने वाला हूं। लेकिन भैया जितना आप डायग्राम से समझोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये किसका चित्र है साथियों? ये है नेफ्रॉन का। एक किडनी में 10,00,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जिनमें से सोच लीजिए आप, एक नेफ्रॉन का डायग्राम है ये भैया। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? किडनी की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। नेफ्रॉन ही भैया ब्लड को छानने का कार्य करती है और नेफ्रॉन ही मूत्र के निर्माण में सहायक होता है। एक किडनी में 10,00,000 यानी कि 1,000,000 नेफ्रॉन होते हैं, जिनमें से साथियों एक है, और एक किडनी का वजन कितना होता है? 170 ग्राम। सोच लीजिए आप, 170 ग्राम की एक किडनी है जिसमें 10,00,000 नेफ्रॉन है और उनमें से मैंने एक की यह संरचना बनाई है, कितना वो होगा सोचो, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ये। आपसे एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और आप फंस जाओगे, इसलिए भैया ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। एक बार और बता देता हूं, एक नेफ्रॉन की संरचना हम पढ़ रहे हैं साथियों, ये आपको गुच्छे से दिख रहे हैं, इन्हें कहा जाता है ग्लोमेरुलस के गुच्छे, ग्लोमेरुलस फिल्टर। इनका कार्य क्या है? ब्लड को छानने का कार्य करता है। हमारे शरीर के पास साथियों जो अलग अलग अंग है, हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग है साथियों, उनके पास से अभिवाय जो धमनी है ये साथियों ब्लड लेकर के आती है। किसके पास? ग्लोमेरुलस के पास। ग्लोमेरुलस क्या करता है? ब्लड को छानेगा और साथियों अपवाय धमनी की सहायता से जिस अंग के पास से ब्लड आया उसे वापस भेज देगा। ब्लड छनकर निकल गया तो ब्लड में और क्या क्या थे? ग्लूकोज था, पानी था, अमीनो अम्ल था, मिनरल्स थे, आयंस थे, NaCl थे, क्रिएटिनिन था, यूरिया था, अमोनिया था, यूरिक एसिड था, बहुत सारी चीजें थी। तो अब आगे चलते गए, जो बुरी चीजें होगी उन्हें तो निकालता जाएगा, जो अच्छी चीजें होगी उन्हें भाई साहब ये नेफ्रॉन क्या कर लेगा? ये अवशोषण कर लेगा।
फिर पीसीटी के पास आए, पीसीटी ने क्या किया साथियों, सबसे पहले ग्लूकोज अमीनो एसिड का अवशोषण किया, अवशोषण कर लिया भैया, और अवशोषण करने के पश्चात एच प्लस आयन त्याग दिया, जिससे जो मूत्र है उस मूत्र का पीएच मान तो 6 हो गया, इसकी प्रकृति कैसी होगी, दुर्बल अम्लीय हो गई। फिर साथ ही पीसीटी है ये दो भागों में बटा हुआ होता है, अवरोही और आरोही। अवरोही में क्या होता है साथियों, अवरोही होती है उतरती हुई नली और आरोही होती है चढ़ती हुई नली। तो अवरोही में क्या होता है, पानी का पुनः अवशोषण होता है, और आरोही में क्या होता है, आयन और NaCl का अवशोषण होता है। बात क्लियर है? ये जो यू के समान जो संरचना है साथियों, वैज्ञानिक का नाम है हेनले, इसे हेनले का लूप कहा गया है, हेनले का झूला कहा गया है। मैं हेनले का झूला लिख देता हूं, इसे क्या कहा गया है, हेनले का झूला कहा गया है। बात क्लियर है? डीसीटी में किसी का अवशोषण नहीं होता, संग्रहित नली में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। फिर साथियों यहां तक इसका कार्य समाप्त हो गया नेफ्रॉन का। फिर बात आती है मूत्र वाहिकाओं की सहायता से साथियों, जो बचा हुआ जो मूत्र है किसके पास पहुंचता है, मूत्राशय तक पहुंचता है। मूत्राशय में कुछ समय इकट्ठा होता है और फिर मूत्राशय के बाद में मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर चला जाता है। एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाने में समझ में आने वाली है जब साथियों मैं आपको एक एक इनका कार्य पढ़ाऊंगा। तब ये कप जैसी संरचना क्या है, बोमेन कैप्सूल है, बोमेन का संपुट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोमेन का संपुट, बोमेन कैप्सूल किस तंत्र का हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, किसका भाग है, किडनी का भाग है। इस तरीके से आपसे आपकी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है साथियों तो आज हम यहीं तक रखते हैं। कल इन सभी के कार्य हम पढ़ने वाले हैं और लिखने वाले हैं। कल मैं आपको डायग्राम नहीं समझाऊंगा, कल मैं आपको अभिवाय ध्वनि लिखाऊंगा और अभिवाय ध्वनि के कार्य, अपवाय ध्वनि लिखाऊंगा, अपवाय ध्वनि के कार्य, पीसीटी लिखवाऊंगा, पीसीटी के कार्य, ग्लोमेरुलस के गुच्छे का कार्य क्या है, किसके बने होते हैं, इसकी आकृति कैसी होती है, सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। आशा करता हूं साथियों ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। आज हम यहीं तक रखते हैं, कल बहुत अच्छी शुरुआत करेंगे। तो बताओ आ गया होगा आज की क्लास तो समझ में, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। साथियों अब तक मैंने ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर और सेल वाला चैप्टर कंप्लीट करा रखा है, अगर आपको देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर चेकआउट कर देना। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो साथियों तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ सके, ताकि और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सके। आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है साथियों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई हुई सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपका डाउट जरूर कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं साथियों इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।